महाराष्ट्र भाजपा सचिव के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री वितरित किया गया। दिव्या ढोले की ओर से मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में 1000 जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री के किट बांटे गए। देश आज कोरोना महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में लोगों के काम बंद है और लोगों के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इस समय बहुत से समाज सेवक, राजनीतिक पार्टियां और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। उसी कड़ी में एक बड़ी संख्या 1000 परिवारों की समस्याओं को समझते हुए महाराष्ट्र भाजपा सचिव दिव्या ढोले ने कोरोना तथा लॉकडाउन की वजह से प्रभावित असहाय, बेरोजगार व जरूरतमंद परिवारों को चिन्हित कर उन्हें राशन सामग्री किट वितरित किया। इस दौरान क्या कुछ कहना था सक्षम न्यूज इंडिया से बातचीत में दिव्या ढोले का, देखिए मुंबई से इस खास रिपोर्ट में। मैम, देखा जा रहा है कोरोना काल चल रहा है, कोरोना महामारी में बहुत जनता जो है परेशान है, प्रॉब्लम है उनको। आप जिस तरह से कोरोना काल में मदद करें, लोगों को राशन वितरण करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी 2020 से कोरोना के लिए लॉकडाउन चालू हो चुका हुआ है और पिछले साल हमने देखा कि जो प्रवासी मजदूर थे उनको जब तकलीफ हुई तो सब जगह से उनके लिए अनाज की सुविधा के लिए प्रयास किए गए थे और उस वक्त बहुत सारी संस्थाएं साथ में आई और उन्होंने मदद कार्य किया था। इस साल भी जब कोरोना एक्सटेंड हो गया है, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है कोरोना काल में, तो हमारा ये जो एरिया है अंधेरी वर्सोवा, इसमें ऐसे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे काम करने वाले कामगार वर्क बहुत ज़्यादा पैमाने में है, उनके लिए वो हमारे तक पहुँच के मदद की आशा कर रहे थे, तो उनके लिए हमने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। ये राशन कोरोना काल महामारी चल रहा है, राशन आप जो वितरण कर रहे हैं, कितने का टारगेट दिया गया है? ये आज के इस कार्यक्रम में हम 1000 फैमिलीज तक ये राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं और इसको पूरे हमने सिस्टमैटिक तरीके से इसको प्लान करके हमने ये कार्यक्रम आज ये लगाया हुआ है। लोगों को कितना मदद मिल सकेगी? ये जो राशन दिया है वो एटलीस्ट 15 दिन तक तो ये राशन चलेगा। अभी कल ही जो अनाउंसमेंट आई है कि अभी 15 दिन और लॉकडाउन एक्सटेंड हो चुका है, तो हमारा जो भी सहयोग थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं उससे इन फैमिलीज को हेल्प होगी, ऐसी आशा है। एक पहले भी आप मैम करती थी राशन वितरण की, कोरोना महामारी चल रहा है इसलिए आपकी रात पहला बार किया है कि पहले भी करती थी? नहीं, हमने ये गए साल भी किया था, मई महीने में, तब हमने 2000 फैमिलीज को वितरण किया था। कोरोना काल चल रहा है, जनता को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ये काल सबके लिए थोड़ा संघर्ष का ही काल चल रहा है। बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई है, हाथ को काम नहीं है, घर में पैसा नहीं आ रहा है और जो मध्यम वर्ग से नीचे लोअर स्ट्राटा के लोग हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आर्थिक परिस्थिति बिकट है, पैसा नहीं आने के कारण जो जिस तरह से बनता है वो करना चाहिए। हाँ, लेकिन इस वक्त भी हमने बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी है, जो बार बार सरकार कह रही है, सरकार को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, मास्क लगाओ, 2 गज की दूरी रखिए, हाथ साफ रखिए। जिस तरह से हम बात करें मैम, इधर राशन वितरित हो रहा है, इधर अंधेरी के ही लोग हैं कि और किसी डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं? नहीं, ये क्लियर कट, ये सिर्फ अंधेरी के लोग हैं, इसमें सागर कुटीर, जोसफ पटेल वाड़ी, वर्सोवा का सुंदरवाड़ी, ऐसे पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे जो लेबर काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं और दिव्या का जो संकल्प सिद्धि ट्रस्ट है, बहुत सालों से हम उनको जानते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। हमारे साथ एक ज़माने में कलीग भी रहे हुए IBM में, तो उन्होंने जब भी हमको बताया तो हमको लगा ये बहुत ही एक मानवता की दृष्टि से बहुत ही अच्छा काम है, तो हमने सोचा इससे साथ जुड़ के 1000 लोगों के फैमिली को ये कोरोना के महामारी के टाइम में खाना मिलना बहुत बड़ी बात है और उसमें से दिव्या जी ने हेल्प किया, तो हमने बोला चलो साथ में जुड़ जाते। लोगों को कितनी हेल्प मिल सकेगी? हाँ, राशन वितरित हो रहा है, लोगों को कितनी मदद मिल सकेगी? लोगों को आज के दिन में नौकरियाँ चली गई है, हाथों में पैसे नहीं है, तो खाने की महामारी ना फैले उसके लिए खाने की सबसे बड़ी समस्या को उकेलने के लिए उन्होंने ये स्टेप लिया था और उन्होंने जब भी हमको बताया तो हमको लगा कि ये आज के दिन में सबसे लॉजिकल बात यही है कि बस खाना मिल जाए लोगों को दो टंग का। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।